अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोज न्यूज के साथ मैं हूँ जहांगीर खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अफसोसनाक सहने के बाद क्वेटा की फिजा सोगवार, हर तरफ उदासियों के डेरे। बलोचिस्तान में योम सुख, अहम इमारतों पर परचम सर निकू। तालबी इदारे और कारोबारी मराकज बंद। वकला का अदालती बॉयकॉट, जाफाक अफराद की तादाद 70 हो गए। क्वेटा के अस्पतालों में जगह कम पड़ गए। 29 जख्मी फिजाइया की एयर एम्बुलेंसेस पर कराची मुंतकिल। 27 आगा खान अस्पताल में जेर इलाज। दहशतगर्दों को जदीद तरीके से जवाब देना होगा। कोई शुबा नहीं कि पाकिस्तान का दुश्मन पाक चीन इक्तसादी राहदारी के खिलाफ है। वजीर आजम का क्वेटा में सिक्योरिटी इजलास से खिताब। दहशतगर्दों को खैबर पख्तूनख्वा में शिकस्त दी तो वो बलूचिस्तान पहुंच गए। सूबे में स्पेशल कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया जाए। आर्मी चीफ का हुक्म, सिविल अस्पताल क्वेटा आमद, जख्मियों की आयादत की। दहशतगर्दों ने जमहूरियत के दो अहम सतूनों अदलिया और मीडिया को निशाना बनाया। क्वेटा धमाके की तहकीकात के लिए नवाज शरीफ हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताबुन करेंगे। अमरीका की पेशकश, लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। सानहे क्वेटा, पाकिस्तान बार काउंसिल ने 3 रोजा अदालती बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। वकला बरादरी का लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, सहाफी भी सड़कों पर। और 10 साल की सलमा खेलते हुए कराची के जगन नाले में डूब गई। बचाने के लिए नाले में कूदने वाली बहन और मां भी जान बहा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट rostv.com। देखते रहिए रोज न्यूज़।